सह्याद्री पर्वतमाला की एक ऊंची चोटी पर अड़िग खड़ा यह है गगनगढ़ किला। कोल्हापुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है गगनबावड़ा, यानी गगनगढ़ का तलहटी गांव। समुद्र तल से 691 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री की एक ऊंची चोटी पर कोल्हापुर जिले में बसा यह है एक हिल स्टेशन गगनबावड़ा। करोड़ा घाट व भुईबावड़ा घाट, इन दोनों घाटों को गगनबावड़ा जोड़ता है। गगनबावड़ा गांव से एक रास्ता गगनगढ़ के बेस तक जाता है। यहां पर अपने वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सामने ही मुख्य प्रवेश द्वार है, बेहद ही आकर्षक, जो कि हाल ही के वर्षों में बनाया हुआ है। प्रवेश द्वार के दाई तरफ भैरवनाथ का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में मसोबा मंदिर कहते हैं। मसोबा के सामने ही भैंसे की प्रतिमा खड़ी है। और यहाँ से सीढ़ियों से गगनगढ़ किले का मार्ग शुरू होता है। कोकण से मल्लाल प्रदेश की तरफ होने वाली व्यापारिक व सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने हेतु गगनगढ़ का निर्माण किया गया था। गढ़ चढ़ते समय पहले गगनगिरी महाराज का मठ आता है। यहाँ गगनगिरी महाराज की समाधि है। यह एक प्राचीन गुफा है, जिसे अब एक सुंदर मंदिर का स्वरूप दिया जा चुका है। मठ में गगनगिरी महाराज व दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति मुख्य गर्भगृह में स्थापित है। दक्षिणी महाराष्ट्र व कोकण प्रदेश का एक प्रसिद्ध मठ है गगनगिरी मठ। हर साल हजारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। यहाँ भोजनालय व निवास स्थान जैसी सुविधाएं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध है। आगे मंदिर की दाईं तरफ से सीढ़ियां गढ़ की तरफ जाती है। इस मार्ग के पहाड़ में रामायण व महाभारत कालीन कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई हुई है। ऊपरी पठार पर गगनगिरी महाराज का बड़ा सा मंदिर है। मंदिर में गगनगिरी महाराज की बेहद मोहक व सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के सामने ही गगनगिरी महाराज का अश्वरूढ़ पुतला स्थापित है। और यहाँ से शुरू होता है गगनगढ़ किला। गगनगढ़ किले का निर्माण विक्रमादित्य राजा भोज द्वितीय ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व करवाया था। आगे बहामनी मुगलों ने इस पर राज किया व सन 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह गढ़ अपने साम्राज्य में शामिल किया। लगभग 200 साल मराठों के साम्राज्य के बाद यह किला अंग्रेजी हुकूमत में शामिल हो गया। सन 1844 के आक्रमण में ब्रिटिश तोपों ने किले को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज तटबंदी के सिवा किले के कोई अवशेष बाकी नहीं रहे हैं। किले की छोटी पहाड़ी पर भगवान शंकर का पुरातन मंदिर है। मंदिर में प्राचीन शिवलिंग के पास ही नागशिला, गणेश जी व गगनगिरी महाराज की मूर्ति है।
अब हम गगनगिरी मठ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ये है गगनगढ़। ये है पुरातन शिव मंदिर। मंदिर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, वापस जीर्णोद्धार किया हुआ है मंदिर का। चलिए अब आगे यहाँ से और ऊपर पहाड़ी पर चलते हैं और वहाँ पर जो मंदिर है उसे देखते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। गगनगढ़ के लेबर ज़्यादा कुछ अवशेष बाकी नहीं है। यहाँ से पूरा गगनगढ़ दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर गढ़ का बाली किला है, जहाँ किसी वक्त में एक भव्य राजवाड़ा रहा होगा, जिसके कुछ अवशेष हम आज भी देख सकते हैं। किले की दक्षिण दिशा में कई दीवारें आज भी अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। यहाँ बनी सीढ़ियों से आसानी से बाली किले पर जाया जा सकता है। बाले किले पर गहिनीनाथ का मंदिर है। नाथ संप्रदाय के निवृत्तिनाथ का यह आश्रम था। अंदर समाधि व मस्जिद जैसी बनावट होने की वजह से इसे दरगाह भी कहते हैं। इसी के पास में विठलाई देवी का मंदिर का चबूतरा है। आख्यायिका अनुसार गैबी पीर या गैबीनाथ विठलाई देवी को अपनी बहन मानते थे। इस मंदिर के पीछे ही गढ़ का एकमात्र पानी का स्रोत एक कुआं बना हुआ है। दूर दूर तक फैली हुई सह्याद्री की पहाड़ियां व घना जंगल गगनगढ़ से देखते ही बनता है। ये एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किलों में से एक है, लेकिन पूरी तरह से अनदेखा किया हुआ किला है। सरकार और जनता की तरफ से ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस किले को। वापस नीचे उतरते हैं। ये जो रास्ता है ये सीधा गगनगिरी मठ की तरफ जाएगा और इस तरफ एक रास्ता है, ये मठ के बाहर से सीधा नीचे उतर जाएगा। तो अब इस रास्ते से वापस नीचे उतरते हैं। चलिए कैसा लगा गगनगढ़ किला। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।